नमस्कार दोस्तों, गोमिनोट एरिया 7 में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, भारत में अपनी एसयूवी किया सेल्टोस और किया सोनेट के साथ ही किया कार्निवल एमपीवी से हंगामा मचाने वाली साउथ कोरिया की ऑटोमोबाइल कंपनी ऑलरेडी इंडियन मार्केट में 7 सीटर किया कैरेंस को लॉन्च कर चुकी है। इसके बाद जल्दी अपनी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने की तैयारी में है। हालांकि भारत से पहले इसे अमेरिकी मार्केट में पेश कर दिया गया है और इसका नाम किया ईवी 6 इलेक्ट्रिक कार है। बहुत जल्दी भारत में किया मोटर्स अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर सकती है और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यह किया ईवी 6 हो सकती है, जिसको 3 वेरिएंट्स के साथ इंडियन मार्केट में उतारा जा सकता है, जिसमें से टॉप एंड वेरिएंट की बैटरी रेंज 500 किलोमीटर तक की रहेगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो में आने वाली किया ईवी 6 की सारी रिवील हुई जानकारी के बारे में। तो दोस्तों, बने रहे इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, पहले तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, जिससे हमारी ओर से आने वाली सभी ऑटोमोबाइल अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इसके एक्सटीरियर से। नई किया ईवी 6 कंपनी के तरफ से पेश की जाने वाली डेडिकेटेड बैटरी इलेक्ट्रिक कार है, जिसे कंपनी ने नए इलेक्ट्रिक ग्लोबल मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। कुछ महीनों पहले इस कार को टेस्टिंग के दौरान भी एक्सपोज़ किया गया था। इस इलेक्ट्रिक वाहन को कंपनी ने नए डिज़ाइन फिलोसॉफी ऑपोजिट यूनाइटेड पर तैयार किया गया है। किया ईवी 6 में कंपनी ने अपना नया पारंपरिक नोज ग्रिल, स्क्रीन डे टाइम रनिंग लाइट्स और आकर्षक हेडलैम्प के साथ डायनामिक पैटर्न एयर इंटेक दिए गए हैं। इसके साइड प्रोफाइल में दिए गए स्वैप ब्लैक विंडशील्ड और कैरेक्टराइज इसके क्रॉसवॉल लुक को और भी बेहतर बना देते हैं। पिछले हिस्से में कंपनी ने सी पिलर के साथ एरोडायनामिक स्पॉटी स्लोप दिया गया है। इस कार को कंपनी ने 3 अलग अलग ग्लोबल डिजाइन स्टूडियो में डिजाइन किया गया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं ईवी 6 के इंटीरियर की। इसके इंटीरियर को भी कंपनी ने खास तौर पर तैयार किया गया है। इसमें एक बड़ा ऑडियो विजुअल नेविगेशन सिस्टम दिया गया है, जो कि स्टीयरिंग व्हील से होते हुए पूरे सेंट्रल डैशबोर्ड को कवर करता है। यह पूरा यूनिट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इंफोटेनमेंट सिस्टम, नेविगेशन जैसे डिटेल को डिस्प्ले करता है। वही ठीक एवीएन के नीचे पैसेंजर कंट्रोल, हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग सेंट्रल दिया गया है, जिन्हें बटन के माध्यम से ऑपरेट किया जा सकता है। इसके इंटीरियर को प्रीमियम बनाने के लिए इसमें बेहतरीन क्वालिटी के सीट्स और फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है और इसके अंदर आपको मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील्स, हैंड्स फ्री बूट ओपनिंग, सीट्स विद हेडरेस्ट, एक्टिव पार्किंग असिस्ट, हीट रिजेक्शन ग्लासेस, क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं तीनों वेरिएंट्स मिलने वाली बैटरी और पावर के बारे में। ईवी 6 लॉन्ग रेंज वेरिएंट में आपको 2-व्हील ड्राइव वेरिएंट में आपको 77.4 किलोवाट का बैटरी मिलता है, जो फुल चार्जिंग पर आपको 510 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज देता है। इसमें आपको 168 किलोवाट का पावर का इलेक्ट्रॉनिक मोटर दिया गया है, जो 229 पीएस का पावर जनरेट करता है। वही 4-व्हील ड्राइव वेरिएंट में आपको 239 किलोवाट पावर का इलेक्ट्रॉनिक मोटर मिलता है। यह मोटर आपको 325 पीएस का पावर जनरेट करके देता है। यह इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर एसयूवी आपको सिर्फ 5.2 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। ईवी 6 का स्टैंडर्ड रेंज वेरिएंट आपको 2-व्हील ड्राइव वेरिएंट में आपको 125 किलोवाट इलेक्ट्रिक मोटर दिया गया है। वही इसके 4-व्हील ड्राइव वेरिएंट में आपको 173 किलोवाट का इलेक्ट्रिक मोटर मिलता है। यह वेरिएंट आपको 6.2 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है। ईवी 6 इलेक्ट्रॉनिक क्रॉसओवर में आपको 4-व्हील ड्राइव जीटी वर्जन 430 किलोवाट का ड्यूअल मोटर दिया गया है। यह 740 एनएम का टॉर्क जनरेट करके देता है। कंपनी का दावा है कि यह वेरिएंट आपको 3.5 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है। इस वेरिएंट की टॉप स्पीड 260 किलोमीटर प्रति घंटे की है। बता दें कि इस वेरिएंट में आपको विशेष लिमिटेड स्लिप सॉफ्टवेयर मिलता है। और दोस्तों, किया ईवी 6 इलेक्ट्रिक कार में आपको 800 वोल्ट और 400 वोल्ट का चार्जिंग सिस्टम मिलता है। यह ईवी 6 कार को सिर्फ 18 मिनट्स में 10% यानी कि 18% चार्ज कर देता है। खास बात यह है कि यह इलेक्ट्रिक एसयूवी सिर्फ 4 मिनट 30 सेकंड में आपको 100 किलोमीटर तक की दूरी का सफर तय कर सकती है, इतनी चार्ज हो जाती है। कंपनी का दावा है कि किया ईवी 6 इलेक्ट्रिक एसयूवी फुल चार्जिंग पर 510 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज देगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं ईवी 6 की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में। दोस्तों, फिलहाल इसको यूरोप और अमेरिकन मार्केट के लिए लॉन्च किया गया है। भारत में यह गाड़ी कब लॉन्च होगी वो कह पाना थोड़ा मुश्किल है, पर एक्सपेक्टेडली यह कार आपको 2022 के अंत तक इंडियन मार्केट में लॉन्च होती नजर आएगी। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करें तो तकरीबन 30 लाख से 35 लाख के बीच में रखी जाएगी। तो दोस्तों, क्या यह कार इंडियन मार्केट में लॉन्च होती है तो आप लेना पसंद करेंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा।
दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा जिससे हमारी ओर से आने वाली सभी ऑटोमोबाइल अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों थैंक यू अंत तक देखने के लिए।